मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। बड़ी खबर है, धार्मिक स्थलों से जो अवैध तरीके से लाउडस्पीकर लगे थे उन्हें हटाया जा रहा है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आई है, धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, प्रशासन ने कार्रवाई की है, 77 लाउडस्पीकर को हटाया गया है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से ये तस्वीर आप सामने देखिए, बिना परमिशन के जो लाउडस्पीकर लगाकर रखे हुए थे उन्हें हटाया गया है। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। एसपी के निर्देश के बाद जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई हुई और पुलिस की टीम ने तय नियमों के खिलाफ जो लाउडस्पीकर लगे थे, यानी गलत तरीके से अवैध तरीके से जो लाउडस्पीकर लगे थे उन्हें हटा दिया, जिसके बाद पूरे शाहजहांपुर से 77 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। और साथ ही सभी को निर्देश भी दिया गया है कि अगर उन्हें आगे कभी लाउडस्पीकर लगाना है तो इसके लिए आप जाइए एसडीएम से परमिशन लीजिए, बिना परमिशन लगे लाउडस्पीकर को नहीं लगने दिया जाएगा। तो ये बहुत सीधे तौर पर यह साफ कर दिया गया है। यह तस्वीर देखिए, बार बार इस तरीके का मुद्दा उठा भी है, महाराष्ट्र मुंबई से इस तरीके के मुद्दे उठे हैं, कई बार ये आवाज भी उठी है कि अवैध तरीके से जो लाउडस्पीकर्स लगे हैं उन्हें हटा देना चाहिए। तो आप देखिए एमपी के शाहजहांपुर में किस तरीके से कार्रवाई हुई है, एक साथ सभी जगहों से अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए और यह भी कह दिया गया कि किसी को लाउडस्पीकर लगाना है तो एसडीएम के पास जाइए, तय नियमों के हिसाब से परमिशन लीजिए, उसके बाद लाउडस्पीकर लगाइए, बिना परमिशन के नहीं।